वेलकम टू अन अनदर टेक एंड कल मीटर हुआ करोलबाग दिल्ली। आज मैं आपको बताऊंगा इश्यू हेल्प और जो चेक्सुम एरर सॉफ्टवेयर है उसके बारे में। यहाँ पे ये दो सॉफ्टवेयर मिलेंगे आपको, इश्यू हेल्प आपको इसको इंस्टॉल कर देना है, यस कर देना है, एनी वन कर देना है, नेक्स्ट इंस्टॉल। बहुत ही ईजी है, 2 मिनट का काम है। यहाँ पे फिनिश कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पूछेगा। लॉगिन में जाओगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट बनाना है। ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो यहाँ पे जिसका अकाउंट नहीं यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट करना है, और यहाँ पे इसको नाम डालना है, जो भी नाम है। यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद सेंड कर देना है, ताकि वो आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा। वो आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के बाद वेरिफिकेशन कोड डालने है यहाँ पे, और इसके बाद साइन अप कर देना है। मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है इसलिए मेरा पूछ नहीं रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा वायरिंग पिक्चर के लिए। तो वायरिंग पिक्चर आपको कोई भी चाहिए तो ये वायरिंग पिक्चर के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे सारी ब्रांड के आ जाएंगे। चाहे आप महिंद्रा सिलेक्ट करो, यहाँ पे क्वेरी में जाओ तो सारे महिंद्रा के देखो वायरिंग डायग्राम देख सकते हैं और काम कर सकते हैं। जैसे आपको हुंडई में जाना है तो हुंडई का आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी कंपनी का आपको वायरिंग डायग्राम चाहिए ECM के हिसाब से आपको मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। अभी मैं जाऊँगा यहाँ पर, और कोई टाटा लिख के देता हूँ, टाटा है या नहीं है, टाटा नहीं है इसके अंदर, तो ये अपने को सुजुकी में जाके हम करेंगे। तो ये देखो सुजुकी के भी वायरिंग डायग्राम आ गए। तो आपको जो भी वायरिंग डायग्राम चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो। अभी देखो ये डेंसो का है, सारे डेंसो के अभी वायरिंग डायग्राम भी आ गए। तो आप यहाँ पे शो करेंगे तो कैसे काम होता है वो पूरा वायरिंग डायग्राम के साथ आपको बताएगा। ये तो खाली एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, बाकी इसमें जो कुछ कुछ जो वायरिंग डायग्राम है वो अपने काम के नहीं है, क्योंकि अभी तो सब कुछ बिना खोले हो रहा है अपनी गाड़ियों में। बहुत ही अच्छे प्रोग्रामर आ गए, तो ओरिजिनल PCM फ्लैश भी हमारे पास मिल जाएगा, ओरिजिनल बिट बॉक्स भी मिल जाएगा, PCM फ्लैश भी मिल जाएगा, SM2 प्रो भी मिल जाएगा, जितने भी टूल चाहिए ऑटोमोबाइल के सारे टूल ऑल इंडिया में सबसे अच्छे ब्रेस पास में हमारे पास मिलेंगे। तो अब ये जैसे ही खुलेगा मैं आपको बता देता हूँ कैसे खुल रहा है, आप देखिएगा। पूरा ऑनलाइन सर्वर पे जाके ये वायरिंग डायग्राम निकालते हैं, और एकदम एक्यूरेसी वाले वायरिंग डायग्राम है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता है तो कलर कोड पे आपको नहीं जाना है, सोच समझ के कैन हाई कैन लो ऐसे आपको लगाना है। तो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैंने खोला था, ठीक है। ये तो हम अभी ये तो सब गाड़ियाँ है जो अभी अपनी बिना खोले हो रही है। अब मैं आपको वापस से वायरिंग पिक्चर के अंदर लेके जाऊंगा। एग्जांपल महिंद्रा का आपको दिखा देता हूँ। क्वेरी में जाएंगे, यहाँ पे आ गया हमारा EDC 1753 है, CDC 1755 है, 1724 है। तो आप इसको शो करेंगे तो ये देखो सीधा वायरिंग डायग्राम आ गया। आपको कलर कोड के ऊपर नहीं जाना है, कलर कोड से वायरिंग नहीं होता है। GPT और जो वायरिंग के ऊपर लिखा होगा वो यहाँ पे लगाना है, कैन हाई कैन लो। 12 वोल्ट यहाँ पे देने हैं, अर्थिंग देना है, GPT 0 यहाँ पे लगेगी। उसके बाद आप रीड एंड राइट कर सकते हैं कोई भी टूल से, जैसे कि SM2 प्रो है, PCM फ्लैश है, KTM है, PCM ट्यूनर है, KT 200 है, फॉक्स फ्लैश है, सेम वायरिंग डायग्राम है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चेक्सुम का। तो चेक्सुम का मैंने आपको बता देता हूँ कि ये फोल्डर यहाँ से कॉपी करना है, आपको कॉपी करके सी ड्राइव खोलना है, और यहाँ पे मैंने जो पेस्ट किया है पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको इसको सेंड टू डेस्कटॉप कर देना है, ठीक है। सेंड टू डेस्कटॉप करेंगे तो यहाँ पे ये शॉर्टकट आ जाएगा, शॉर्टकट आ जाएगा, तो यहाँ से आप ओपन करके इसको चला सकते हैं। यहाँ पे डाटा सर्विस में जाएंगे, सारे ECM का है जो चेक्सुम एरर है, जो आप खुद काम कर सकते हैं। तो ये फॉक्स फ्लैक्स और KT 200 में बहुत ही अच्छा काम करेगा, और बाकी टूल से भी आप रीडिंग करके आप इसमें चेक्सुम क्लियर कर सकते हैं। तो ये था फ्री ऑफ कॉस्ट में है, जो भाई को भी चाहिए, हमारे सब्सक्राइबर है, नहीं है, नए बने हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में है। यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल के तौर के ऊपर दिखा दूँ कैसे होता है, तो आपको क्या करना है,
EDC 17 से ये इंटरनल फ्लैश खोलना है, याद रखना EEPROM नहीं खोलना, इंटरनल फ्लैश खोलेंगे। यहाँ पे फाइल ओपन करके करेंगे, यहाँ पे चेकसम करेंगे तो फाइल बना देंगी, वही फाइल आपको वापस से दूसरे ECM में जो आपको काम करना है चेकसम एरर का आ रहा है वहाँ पे आप काम करके कर सकते हैं। तो ये था हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट इश्यू हेल्प और चेकसम एरर इंस्टॉलेशन का वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाएगा तो बहुत सारे नए नए वीडियोस आप तक मिलते रहेंगे। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।